धीरे धीरे लद्दाख का सीज़न पास आ रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो ट्रिप का जो महंगाई है, मोटरसाइकिल पे टूर करने का जो महंगाई है वो भी बढ़ रहा है। और इन सब चीज़ों के बढ़ने की वजह से हम लोग एक तरीके से अपने जो ट्रिप का कॉस्ट कट डाउन कर सकते हैं वो है बाई कैंपिंग। और कैंपिंग इन लद्दाख इज़ द न्यू थिंकिंग। जो लद्दाख राइड पे जाते हैं वो बेसिकली गर्मियों के मौसम में अपना स्टार्ट करते हैं जर्नी, तो प्लेन्स पे तो कैंपिंग नहीं हो पाता है, बट लद्दाख पे जाके एटलीस्ट कुछ कुछ डेस्टिनेशंस पे कैंपिंग करके वो अपना ट्रिप का कॉस्ट कट डाउन कर सकते हैं। और इसके साथ हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शोमो चैटर्जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो यूट्यूब चैनल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा कि लद्दाख में अगर आप कैंपिंग करने का सोच रहे हो तो कैंपिंग का जो जगह होता है, एक सेफ जगह, अच्छा जगह जहाँ पे आपको परमिशन मिले, वो सारा जगह किस तरह से ढूंढे और कैंपिंग में क्या क्या सिंपल सिंपल चीज़ कैरी करें तो आपका एटलीस्ट बेसिक कैंपिंग का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए और आप कुछ कुछ जगह पे रुक के कैंपिंग करके कम से कम 300-400 रुपये पर नाइट का जो खर्चा होता रहने का वो सेव कर सकते हो। अगर 10 जगह पर आप कैंपिंग करते हो तो इमेजिन कर लो आप 4000 रुपये के आसपास सेव कर लेते हो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि क्या क्या बेसिक इक्विपमेंट आप कैरी करोगे तो आपका लद्दाख में कैंपिंग अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक 2% टेंट, आप अमेज़ॉन वाला टेंट मत लेना, उसमें बहुत सारे सस्ते वाले टेंट मिल जाते हैं, तो वो वाला टेंट को अवॉइड करके सबसे बेस्ट है गो फॉर डेकैथलॉन टेंट्स और कोलमैन टेंट्स, और नहीं तो नेचर हाइक का बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इससे अच्छा है कि 2000 रुपये का जो 2% टेंट आता है डेकैथलॉन में वही आप ले लो। साथ ही आपको एक कैरी करना पड़ेगा 5 डिग्रीज का स्लीपिंग बैग। 5 डिग्री स्लीपिंग बैग इज़ मोर देन एनफ। अगर आप 0 डिग्री या -5 डिग्री तक ले लेते हो तो वो एक्सट्रीम लद्दाख अगर आप कर रहे हो तो उस वक्त के लिए काफ़ी है, बट नॉर्मल टाइम पे लद्दाख आप अगर जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि मई एंड से लेके सितंबर तक का, जो मिड सितंबर तक का जो लद्दाख का सीज़न है, उस वक्त 5 डिग्रीज का स्लीपिंग बैग आपका काफ़ी है। उसके साथ ही आपको एक लेना पड़ेगा स्लीपिंग मैट। तो ये तीन चीज़ अगर आपके पास है और आपके पास नॉर्मल पहनने के लिए जैकेट और फ्लीस लाइनर्स हैं तो आप लद्दाख में कहीं पे भी कैंपिंग कर लोगे। एटलीस्ट एक रात बिता के आप स्टे का जो खर्चा आता है 250-300-400 रुपये, वो खर्चा आप सेव कर सकते हो। दूसरा बात, अगर आप खुद खाना बना के खाना चाहते हो कैंपिंग में, मतलब दिन भर राइड करने के बाद अपना अपना टेंट सेट करके खुद खाना बना के खाना चाहते हो तो उस वक्त आपको कैरी करना पड़ेगा गैस कैंस। 2 गैस कैन काफ़ी है पूरे राइड के लिए। 1 गैस कैन लगातार 4 घंटे तक जल सकता है और पूरा ट्रिप में आप 4 घंटा भी खाना नहीं बनाओगे, बट टू बी ऑन द सेफ साइड कैरी 2 गैस कैंस और उसके साथ एक छोटा सा कैंपिंग स्टोव। कैंपिंग स्टोव जो अमेज़ॉन पे मिल जाता है बहुत ही सस्ता है, 499 से स्टार्ट होता है, वो बेसिक वाला कैंपिंग स्टोव ले लेना। जो एक स्टोव दिखेगा वो लोटस टाइप का है, वो स्टोव लोगे तो थोड़ा विंड से प्रोटेक्शन मिल जाता है, बट जो नॉर्मल वाला है जिसमें 4 तरफ से खुलता है, जो मेरे पास है, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो वाला स्टोव अगर आप लेते हो तो इसमें थोड़ा विंड वाला दिक्कत आ सकता है। तीसरा चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपका डेकैथलॉन का एक 1% का खाना बनाने का एक सॉस पैन, उसके अंदर कटोरा और 2 प्लास्टिक के चम्मच आते हैं, तो वो किट आप अगर ले लोगे तो इजीली आप मैगी बना के खा सकते हो, आप चावल खिचड़ी बना सकते हो या फिर अंडा वगैरह स्क्रैम्बल कर सकते हो। इतना मतलब जो बेसिक नीड होता है, एटलीस्ट आलू बॉयल करके भी खा सकते हो, तो जो बेसिक नीड होता है, बेसिक पेट का नीड होता है, वो आप उस एक छोटा सा बर्तन और वो गैस स्टोव से पूरा कर सकते हो। इसको एक नॉच ऊपर लेना है अगर आपको बाहर बैठ के अच्छा खासा फोटोग्राफी करना है तो एक कैंपिंग स्टूल, जो ट्राइपॉड वाला टूल आता है, वो वाला टूल भी आप कैरी कर लो। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि लद्दाख में कैंपिंग करने के लिए जगह कहाँ से ढूंढें। लद्दाख राइड इधर 2 तरफ से करते हैं लोग, एक श्रीनगर के तरफ से, श्रीनगर, सोनमर्ग जो ज़िला होके कारगिल फिर ले चले जाते हैं, और दूसरा है मनाली के तरफ से, तो मनाली अटल टनल, फिर उसके बाद आपका केलोंग और फिर सारचू पांग, ये सब जगह कंप्लीट करके लोग लद्दाख जाते हैं। कैंपिंग करने का अगर आप सोच रहे हो तो इधर आफ्टर मनाली करो, और इधर से अगर आप जा रहे हो तो आफ्टर श्रीनगर करो। श्रीनगर के बाद बहुत सारे गांव आते हैं,
वहाँ पे रोड साइड में ढाबे आते हैं, आप अगर ढाबे वाले से बात करोगे उनके पीछे बहुत बढ़िया बढ़िया जगह रहता है, उस ढाबे के पीछे आप टेंट वगैरह लगा सकते हो। जैसा कि मैं सोनमार्ग में कैंपिंग किया था, सोनमार्ग में मैं वापस आते हुए कैंपिंग किया था, होटल बर्जमान के जस्ट बगल में एक जगह था, मैं होटल बर्जमान वाले से पूछ के ही किया था, और ऊपर से मेरे एक दोस्त हैं उनसे भी मैं इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हूँ, तो उनसे भी मैं पूछा कि कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वो कश्मीर में कैंपिंग का टाइम लैप्स वगैरह निकालते रहते हैं। तो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे एक बढ़िया लोकेशन है। अगर मनाली के तरफ से आप जा रहे हो तो मनाली के बाद ही कैंपिंग करने का सोचो, क्योंकि उसके बाद जो लोकेशंस मिलेंगे आपको वो थोड़ा सा रिमोट लोकेशंस मिलेंगे और अच्छे अच्छे लोकेशंस मिलेंगे, मे बी रिवर साइड लोकेशन और जहाँ पे थोड़ा ढाबा हो पास में हो, वो सब जगह आपको मिल जाएगा कैंपिंग करने के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जैसे जिस्पा पे भी आप कैंपिंग कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आपको जगह दे देंगे टेंट लगाने का। जिस्पा के बाद आप टेंट लगा सकते हो दारचा पे, लेकिन ये जो रूट है ना ये इतना फास्ट हो गया है आज के दिन पे, तो आप मनाली से लेके सरचू क्यों, सरचू से आगे भी निकल सकते हो। तो मेरे हिसाब से सरचू में अपना जर्नी ब्रेक कर देना बेटर रहेगा, और मैं वही किया था। तो मैं सरचू पे जो लोकल टेंट वाले वहाँ पे ऑलरेडी फिक्स टेंट मिलता है जो 1000-1200-1300 रुपये पर नाइट विद फूड लेते हैं, उनसे मैं परमिशन लेके उनके बैक साइड में जहाँ पे गेस्ट्स को भी उनके होटल उनका जो टेंट एकोमोडेशन उनके गेस्ट को दिक्कत ना हो, उस हिसाब से मैं उनके बैक साइड में कहीं दूर जाके टेंट लगाया था। आप अगर सरचू पे कैंपिंग करना चाहते हो तो लोग अलाउ करते थे, बाद बाकी अगर कोई खाली जगह दिखता है तो वहाँ पे भी आप टेंट लगा सकते हो। बस इतना है कि आपको साफ़ सुथरा जगह छोड़ना पड़ता है, दूसरा बात है कि जहाँ पे नेचुरल स्ट्रीम हो वहीं पे आप टेंट लगाओ, ताकि आपको कम से कम फ्रेश पानी अवेलेबल हो जाए, आप लाइफ स्ट्रॉ से वो फ्रेश पानी को फिल्टर करके पी पाओ, और कम से कम उस पानी को बॉईल करके आप वाटर बॉटल में भर के रात में गर्म स्लीपिंग बैग के अंदर डाल के सो पाओ। सरचू के बाद अगर कैंपिंग करने का सोच रहे हो तो बहुत सारे खूबसूरत गांव आते हैं बिफोर यू एंटर ले, तो वो सब जगह पे भी आप लोकल दुकान या ढाबा से बात करके कैंपिंग का लोकेशन ढूंढ सकते हो। लोग ईजिली मान जाते हैं, और लद्दाख के लोग इतने कोऑपरेटिव होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं तो जगह दे देंगे कि हाँ यहाँ पे आप टेंट लगाओ। तो बहुत बढ़िया बढ़िया गांव आते हैं वहाँ पे। लेह में अगर आप रुक के कैंपिंग वगैरह करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लेह सिटी के बाहर किसी गांव में, जो बिफोर यू एंटर ले या फिर शक्ति, फिर इधर हो गया स्तोक गांव, ये सारे जगह पे आपको बहुत मतलब खाली खाली एरियाज मिलेंगे जहाँ पे आप अपना टेंट वगैरह पिच कर सकते हो। तीसरा जगह जहाँ पे मैं कैंपिंग किया था वो था एट हुंदर। तो हुंदर में भी बहुत बढ़िया बढ़िया लोकेशन है, बट हुंदर का सैंड ड्यून्स के पास में आई डाउट कि टेंट लगाने देते हैं, क्योंकि उस जगह को वो लोग साफ़ सुथरा ही रखते हैं और कैमल्स वगैरह आना जाना करते, तो उस जगह पे अलाउड नहीं करते। शायद मैं पूछा था तो वो बोले थे कि आप थोड़ा उस साइड जाके लगाओ, ऐसे बोल दिए थे कि थोड़ा दूर जाके लगाओ। तो हुंदर में जैसे ही सैंड ड्यून्स तक पहुँचते हैं वहाँ से एक लेफ्ट में रास्ता चला जाता है, मैं अपने लद्दाख के ब्लॉग्स में भी बोला था, तो उस लेफ्ट वाले रास्ते से आप चले जाओगे तो आपको एक बढ़िया सा स्पॉट मिलेगा, एकदम आइलैंड जैसा। नदी क्रॉस करोगे, बहुत कम पानी रहता है, उस आइलैंड के ऊपर जाके टेंट लगा सकते हो। मैं जब टेंट लगाने पहुँचा था सिर्फ एक ही, हम लोग ही टेंट लगाए थे, मैं और निखिल दोनों ही अकेले अकेले टेंट लगाए थे। जब तक हम लोग खाना वाना लेके वापस आए थे वहाँ पे, वो पूरा टेंट कॉलोनी बन चुका था। तो उस जगह पे आई थिंक कि सारे लोग जहाँ भी हुंदर में जाके कैंपिंग करने का सोचते हैं उसी पर्टिकुलर जगह पे जाके कैंपिंग करते हैं। फिर उसके बाद आप कैंपिंग कर सकते हो तुरतुक में। तुरतुक में नहीं रुके, आप अगर एकदम तयाक्षी तक चले जाते हो, तयाक्षी में अपना बाइक नीचे छोड़ के आप जब ऊपर एकदम लास्ट पॉइंट तक जाओगे जहाँ से आपको थांग दिखता है, वहाँ पे एक व्यू पॉइंट पे बढ़िया कैंपिंग साइट है, उस जगह पे भी टेंट लगा सकते हो। हुंदर के बाद आप कैंपिंग कर सकते हो पैंगोंग में। पैंगोंग में कैंपिंग करने का एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। पहला जो एडवांटेज है कि मतलब आप एकदम आइसोलेटेड थोड़ा दूर में कहीं पे जाके लगा सकते हो, बट पानी के पास टेंट लगाना वो लोग थोड़ा मना करते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि द लेक इट्सेल्फ इज़ अ होली लेक, मतलब वहाँ उसको वर्शिप करते हो, तब जितना भी लेक से लद्दाख में लेक से थोड़ा दूरी लगाना पड़ता है। और दूसरा बात है कि जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम है वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए पैंगोंग में मैं कैंपिंग नहीं किया था, वहाँ पे मैं 800 रुपये में एक होम स्टे ले लिया था। बट पैंगोंग में अगर आप चाहो तो कैंपिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद आ गया हानले
सोमुरीरी, ये सब एरिया जो लोग वो वाला सर्किट करते हैं, उस सर्किट में इतना ज़्यादा हवा चलता है एक टाइम के बाद, तो टेंट लगाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है रात के ठंड में। वो जो विंड चिल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका टेम्परेचर 5 डिग्रीज दिखा रहा है तो विंड चिल की वजह से वो -1, -2 जैसा फीलिंग आता है, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है रात को टेंट में। फिर उसके बाद हेडेक्स चालू हो जाता है, और हम लोग दिन भर राइड करके जब टेंट वेंट लगाते हैं तब तक उतना ज़्यादा पानी वगैरह पीना होता नहीं है, तो डिहाइड्रेटेड भी हो जाता है बॉडी। तो जिसके वजह से आई वुड सजेस्ट कि अगर वो सब एरियाज़ कवर कर रहे हो तो चाहे तो आप पूछ पाछ के टेंट लगा लो या फिर थोड़ा सा रिस्क ले लो, बट देर विल बी टाइम्स जब आप सोचोगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों मतलब अपने आप को सज़ा दे रहा हूँ। तो इससे अच्छा है कि वो सब सर्किट में आप वहाँ का जो एकोमोडेशन अवेलेबल है वो ले लो, बट चाहे तो आप कैंपिंग भी कर सकते हो, सोमोरीरी में भी कर सकते हो और हानले पे भी कर सकते हो। फिर जब ये वाला सर्किट कंप्लीट करके आप आ जाते हो टूवर्ड्स कारगिल, तो कारगिल का रूट पकड़ते वक्त आपको दो रास्ता मिलेगा। एक रास्ता तो आर्यन वैली होके बटालिक सेक्टर होके जो कारगिल उतारता है आपको, और दूसरा रास्ता जो है वो आपको मूलबेक लामायुरू होके कारगिल निकालता है। आप अगर मूलबेक लामायुरू वाला रास्ता पकड़ते हो ले से, तो ये रोड इतना स्मूद है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप मूलबेक लामायुरू ये सब कवर करके कारगिल पहुंच गए। तो कारगिल पहुंच के अगर आपको कैंपिंग करना है तो आई वुड सजेस्ट कि गो टूवर्ड्स सुरू वैली, आर्यन वैली वाला रास्ता लेते हो, जिस द रोड विच टेक्स यू टू हानू डा, हानू योकमा, हानू गोंगमा डा, और डा का जो ऊपर वाला विलेज है, ये सारा जगह पे भी आप अगर गांव में एंटर कर जाते हो वहाँ पे बहुत पीसफुल एम्बियंस होता है वहाँ के गांव के। और मतलब आप अपना बाइक को रास्ते पे छोड़ के ही आप अंदर अंदर थोड़ा सा जाओगे गांव के अंदर पे, तो देर आर पैडी फील्ड्स जहाँ पे आप वहाँ के गांव वालों से पूछ के टेंट वेंट लगा सकते हो। मैं पूछा था एंड दे सेड कि अगर आपके पास है तो लगा लो, बट मेरे साथ जो दो लोग ले से आए थे हानू योकमा हानू वोंगमा घूमने के लिए, उनके पास टेंट नहीं था तो उनको दिक्कत हो जाता। फिर डा में भी आप कैंपिंग कर सकते हो, और जब आप डा कंप्लीट करके बटालिक सेक्टर होके कारगिल आते हो, फिर अगेन यू गेट दैट सेम रूट जिस पे आपको वाया द्रास सीधा निकलना पड़ेगा टुवर्ड्स सोनमर्ग। तो दिस इज़ वन वे यू कैन सेव योर कॉस्ट इन लद्दाख एंड यू कैन हैप्पीली एंजॉय योर लद्दाख राइड। तो आज का ये जो ब्लॉग था इतना ही रखते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड आई होप कि मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो था वो दे पाया आपको। बाद में एक और ब्लॉग में डालूंगा जिसमें I will explain ki what are the things that you need to carry proper, ekdam basic level, advanced level aur pro level. To ye sara cheez main ek alag se vlog mein share karunga. To agar ye vlog aapko acha laga to give it a thumbs up, and if you are new to this channel subscribe to my channel and go ahead and watch my Kashmir winter Kashmir series, my Ladakh series and my solo Rajasthan ride series. That's it. Thank you for making me part of the day guys. Thank you for watching Nature Moto. See you in the next vlog.